नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हूँ आपके साथ शालिनी और हर रोज की तरह हिंदुस्तान 100 का एक वक्त हो गया, तो फटाफट अंदाज में आपको 100 बड़ी खबरें दिखा देते हैं। दिल्ली दंगों की साजिश के मामले में जेएनयू का पूर्व छात्र उमर खालिद गिरफ्तार, आज होगी कोर्ट में पेशी। उमर खालिद को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने किया गिरफ्तार, यूएपीए एक्ट में हुई गिरफ्तारी। दिल्ली हिंसा में आरोपी खालिद सैफी का कबूलनामा, उत्तर प्रदेश के मेरठ से मंगाए गए थे हिंसा के इस्तेमाल हथियार। मुंबई में एनसीबी की विशेष अदालत ने 6 ड्रग्स पेडलर की आज पेशी करेगी, 5 मुंबई से 1 गोवा से गिरफ्तार, चरस गांजा और कैश भी बरामद। ऑफिस में बीएमसी की तोड़फोड़ के बाद कंगना रनौत ने की राज्यपाल से मुलाकात, बहन रंगोली भी रही साथ। राज्यपाल से मिलने के बाद कंगना ने जानकारी दी, कहा मेरे साथ जो सुलूक हुआ वो बताया, न्याय मिलने की उम्मीद। मुलाकात पर शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत का बयान, जिसे जो बोलना है वो बोलता रहे, हम वक्त आने पर देंगे जवाब। जारी है कंगना की मुश्किल, अब फ्लैट के अंदर किया अवैध निर्माण को लेकर के बीएमसी ने भेजा नया नोटिस। कंगना विवाद के बीच बोले सीएम उद्धव ठाकरे, कहा महाराष्ट्र को बदनाम करने की हो रही है साजिश। उद्धव ठाकरे ने कहा मेरी खामोशी को मेरी मजबूरी ना समझे, राजनीति पर जरूरत हुई तो जरूर करूंगा बात। कंगना के बहाने शिवसेना का बॉलीवुड पर निशाना, सामना में लिखा पीओके और बाबर वाले बयान पर बॉलीवुड खामोश क्यों। कोरोना महामारी के बीच महाराष्ट्र के किसानों को उद्धव सरकार का तोहफा, किसानों का 2 लाख तक का कर्ज माफ करने का ऐलान। पूर्व नेवी अफसर से मिले केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले, कहा मुंबई सबकी है, नेवी अफसर से मारपीट गलत। आज से संसद का मानसून सत्र, नहीं होगी सर्वदलीय बैठक, विपक्ष उठा सकता है भारत चीन कोरोना संक्रमण, अर्थव्यवस्था का मुद्दा। 5 सांसदों की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव, सत्र से पहले की जा रही है सबकी जांच। मंगलवार को संसद में सरकार दे सकती है चीन से विवाद पर बयान, कई विपक्षी सांसदों ने दिया तनाव पर चर्चा का नोटिस। बॉर्डर पर नापाक हरकत से बाज नहीं आ रहा है पाकिस्तान, कुंज के मेंढर में सीमा पार से भारी गोलीबारी। गृहमंत्री अमित शाह दिल्ली के एम्स में भर्ती, सूत्रों के मुताबिक सांस लेने में हो रही है तकलीफ। दिल्ली से पटना लाए गए पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद का पार्थिव शरीर, आज होगा अंतिम संस्कार। आरजेडी दफ्तर में रघुवंश प्रसाद सिंह के लिए रखा गया मौन, तेजस्वी यादव जगदानंद सिंह ने दी श्रद्धांजलि। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले पीएम मोदी ने 901 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की शुरुआत की। पश्चिम बंगाल के हुगली में पेड़ से लटका मिला बीजेपी कार्यकर्ता का शव, स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी सूचना। पश्चिम बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हो रहे हमले पर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा ममता सरकार का अंत निकट। दिल्ली विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र आज, वायरस संक्रमण की वजह से नहीं होगा प्रश्नकाल। दिल्ली में आज से खुलेंगे जिम और योग सेंटर, सरकार की तरफ से जारी एसओपी को करना होगा लागू। दिल्ली में 30 सितंबर तक वीकली बाजार खोलने की इजाजत, गाइडलाइंस के उल्लंघन पर सरकार सख्त। सभी लाइंस खुलने के साथ ही करीब 6 महीने के बाद आज दिल्ली मेट्रो का पहला वर्किंग डे, 17 घंटे में चलेंगे 4,500 से ज्यादा ट्रिप्स। पहला वर्किंग डे होने पर मेट्रो में बढ़ सकती है भीड़, गाइडलाइंस को लेकर के मेट्रो प्रशासन ने किए कड़े इंतजाम। अगले साल की पहली तिमाही में आ सकती है कोरोना वैक्सीन, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने जताई संभावना। कोरोना के बढ़ते मामलों पर पीएम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीके मिश्रा ने समीक्षा बैठक की। भारत में कोरोना के मामले 47 लाख के पार, अब तक 78,586 लोगों की मौत। देश में पिछले 24 घंटे में सामने आए 94,000 से ज्यादा नए मामले। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 4,235 नए केस आए सामने, 29 मरीजों की मौत। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में मिले 2,281 नए मरीज। राजस्थान में कोरोना मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 1,02,408। बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या 1,58,000 के पार पहुंची। झारखंड में कोरोना के 60,000 से ज्यादा मरीज हुए। लखनऊ में सीएम योगी ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से की मुलाकात, दोनों के बीच करीब 1 घंटे तक हुई बातचीत। योगी सरकार ने जारी की एसएसएफ के गठन की सूचना, बिना वारंट के भी हो सकेगी गिरफ्तारी। भर्ती प्रक्रिया में बड़े बदलाव की तैयारी में योगी सरकार, सरकारी नौकरी के लिए जरूरी होगा 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट। अतीक अहमद पर प्रशासन की कार्रवाई जारी, प्रयागराज के लुकरगंज में 60 करोड़ रुपए की जमीन से कब्जा छुड़ाया गया। लखनऊ में सीएम योगी से मिले सुदीक्षा के परिजन, परिवार को 20 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान। महाराजगंज में नशे की बड़ी खेप जब्त, इंडो नेपाल बॉर्डर से एसएसबी ने बरामद की 2.5 करोड़ रुपए कीमत की चरस। सोनभद्र में सोन नदी में डूबे 3 बच्चों के शव मिले, एक की तलाश जारी, नदी में नहाने गए थे 7 बच्चे। एटा में मैच मेकिंग कराने वाली वेबसाइट के नाम पर ठगी, शादी का झांसा देकर के 24 लाख रुपए, 6 आरोपी गिरफ्तार।
आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराई, एक महिला की मौत। नोएडा के सेक्टर 39 थाना पुलिस ने हनी ट्रैप गैंग का खुलासा किया, एक शख्स गिरफ्तार। नोएडा के बरौला में शराबी पति ने 3 साल की बेटी की हत्या की, पत्नी को भी घायल किया। मेरठ में फर्जी सैनिक गिरफ्तार, सेना की वर्दी पहनकर के कई सालों से कैंट एरिया में घूम रहा था आरोपी। मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर के सीएम ने की कलेक्टर्स और कमिश्नर के साथ बैठक। सतना में नाबालिग से रेप के आरोपी कांग्रेस नेता अतीक मंसूरी पर 4 और FIR। रायपुर में बच्चे के इलाज के लिए भटक रहे पिता की खबर दिखाए जाने के बाद डीकेएस अस्पताल ने उठाया इलाज का जिम्मा। श्योपुर में कोरोना संक्रमित मरीज को लेने गई एम्बुलेंस पर ग्रामीणों ने किया पथराव। धार के जोगी वाटर फॉल में बही कार, वाटरफॉल में अचानक पानी का दबाव बढ़ने से यह हादसा हुआ। भिंड में अपहरण के 22 घंटे के अंदर मिला कारोबारी, बीहड़ में छोड़ करके भागे किडनैपर्स। दंतेवाड़ा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, मेलवाड़ा मोखपाल के जंगलों में पकड़े गए 9 नक्सली। झारखंड में सहायक पुलिसकर्मियों का आंदोलन जारी, रांची के मोरहाबादी मैदान में दूसरे दिन भी डटे 2500 आंदोलनकारी। पश्चिम सिंहभूम के जेटिया में पति पत्नी की पीट पीट कर हत्या, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। गढ़वा में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, छापेमारी अभियान में 40 लोग गिरफ्तार। झारखंड में उपचुनाव के लिए तैयारियां तेज, बेरमो और दुमका सीट पर एनडीए में बड़ी खींचतान। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी का सरकार पर बड़ा हमला, झारखंड लैंड मोटेशन बिल पर जल्दबाजी का लगाया आरोप। पश्चिम सिंहभूम के जेटिया में पति पत्नी की पीट पीट कर हत्या, मुख्यमंत्री गहलोत से मिले पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा। सीएम गहलोत के निर्देश पर जिले के प्रभारी मंत्रियों की नई लिस्ट जारी, मंत्री उदयलाल आंजना को रात समंद की मिली जिम्मेदारी। शासन सचिव वैभव गलारिया का जोधपुर द्वारा महात्मा गांधी अस्पताल में मिली बड़ी लापरवाही। पाली के गुंदोच पुलिस चौकी के पास भीषण सड़क हादसा, ट्रक से टकराने के बाद ट्रेलर में लगी आग। भीलवाड़ा में ढोंगी तांत्रिक के 2 सहयोगी चढ़े पुलिस के हत्थे, जैसलमेर के पोखरण थाने में युवक ने खुद को लगाई आग। जोधपुर में चलती कार में अचानक लगी आग, ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। राजसमंद के कुआरिया पदमपुरा गांव में ढहा एक कच्चा मकान। मोती डूंगरी गणेश मंदिर में दर्शन के लिए अभिभक्तों को करना होगा इंतजार, अक्टूबर महीने के पहले हफ्ते तक बंद है मंदिर। बीकानेर में चौराहे पर खड़ी कार में लगाई आग, वारदात सीसीटीवी में कैद। नए नियम के साथ फ्लाइट में ले सकते हैं फोटो और वीडियो, डीजीसीए ने जारी की गाइडलाइंस। आईसीआईसीआई बैंक ने शुरू की व्हाट्सएप बैंकिंग की सुविधा, घर बैठे कर सकते हैं अकाउंट से जुड़े कई काम। स्टार्टअप को मिल सकती है बड़ी मदद, सरकार की लोन गारंटी और इस स्कीम को लाने की है जोरदार तैयारी। भारत पाक सीमा से सटे हीरानगर में बनेगा अरुण जेटली के नाम पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। किंग्स इलेवन पंजाब अपनी टीम के खिलाड़ियों का डांस देख करके प्रीति जिंटा ने कहा, लग रहा है लड़के काफी मेहनत कर रहे हैं। आईपीएल से पहले अपनी बेटी के लिए भावुक हुए मोहम्मद शमी, कहा उसे महीनों से नहीं देखा, बहुत याद आती है। जापान की नाओमी ओसाका बनी चैंपियन, 3 साल में जीता दूसरा यूएस ओपन टाइटल। सुशांत की याद में अंकिता लोखंडे ने घर पर लगाया पौधा, ट्विटर पर लिखा सुशांत के सपनों को पूरा करने की कोशिश। पॉपुलर शो साथ निभाना साथिया अपने सीजन 2 के साथ तैयार है। पाकिस्तान के सिंध में नाबालिग हिंदू लड़की का धर्मांतरण, अगवा कराने वाले से ही जबरन निकाह कराया गया। पाकिस्तान में हाईवे पर बच्चे के सामने महिला से गैंगरेप, घटना के विरोध में इस्लामाबाद, कराची और लाहौर में प्रदर्शन। नेपाल में भारी बारिश के बाद भूस्खलन से बड़ी तबाही, सिंधुपाल चौक में 11 लोगों की मौत। शी जिनपिंग पर भारी पड़ सकता है सैन्य शक्ति प्रदर्शन। राष्ट्रपति चुनाव के बीच कैलिफोर्निया के फायर जंगलों में लगाए गए में जाएंगे ट्रंप, आग से हुए विनाश का लेंगे जायजा। मैक्सिको की खाड़ी में उठे तूफान में अमेरिका के फ्लोरिडा में खतरा बढ़ा, तेज हवा और बाढ़ की आशंका। लेबनान की राजधानी बेरूत में आग लगने से 2 दिन बाद बंदरगाह के ऊपर धुएं का गुब्बार उठता दिखाई दिया। अमेरिका के खोजी पत्रकार बॉब वुडवर्ड की खिताब बाजार में बहुत जल्द। ईरान में अंतर्राष्ट्रीय पहलवान को फांसी दिए जाने के बाद पूरी दुनिया में गुस्सा। कोरोना काल में इस मास्क की हर ओर तारीफ हो रही है, मास्क ऐसा कि किसी को पता भी ना चले, सुरक्षा भी पूरी हो। हादसे के बाद इस बाइक के परखचे उड़ गए लेकिन बाइक सवार को कुछ नहीं हुआ। बैग की तरह पीठ पर लाद करके गधे को नीचे उतारना भारी पड़ गया, गधे के साथ साथ खुद भी धराशायी हो गया। जरा सी चूक और हो गया हादसा, देखिए किस तरह से कई दिनों की प्रैक्टिस के बाद भी यह शख्स पुल से नीचे पानी में जा गिरा। गाना गाते गाते कार से छलांग लगाना, इस सिंगर को पड़ गया भारी।
घोड़े सब कुछ भूल सकते हैं लेकिन दुलत्ती माना नहीं भूल सकते हैं। देखिए किस तरह से दुलत्ती खाने के बाद ये जनाब हवा में पलट गए। कोऑर्डिनेशन हो तो ऐसा, दोनों मजदूरों ने बिना रुके एक के बाद एक लगातार वार करके रेलवे लाइन में कील गाड़ दी। टिकटॉक तो बैन हो गया है लेकिन वीडियो बनाने का चस्का अब भी लोगों में बरकरार है। एक पिलर से दूसरे पिलर पर छलांग लगाते हुए यह हादसा हो गया, जरा से लापरवाही और जमीन पर चारों खाने चित। बाइक के साथ स्टंट करते समय एक्सीडेंट भी खूब होते हैं, जनाब के ऊपर पूरी की पूरी बाइक आ गिरी।